हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन फ्रेंडली। माय नेम इज प्रतिभा सिंह एंड आई एम गोइंग टू टीच यू सीन लैंग्वेज। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने दो प्रोग्राम परफॉर्म किए थे। एक बेसिक प्रोग्राम हेलो प्रिंट करा के देखा था, दूसरा हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम किया था। आज के लेक्चर में भी हम लोग प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। पहला प्रोग्राम हम लोग करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सर्किल का। तो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले हम हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे हैज इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हमारी हेडर फाइल होगी। हेडर फाइल के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। तो हम लोग void main, हमने void main लिखा। void main हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। इसके बाद करली ब्रेसेस। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, या आर इंटू आर लिखते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। तो हमको कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, एक हमको एरिया चाहिए होगा, एक हमको पाई की वैल्यू के लिए चाहिए होगा, एक हमको आर की वैल्यू के लिए चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट एरिया, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिखते हैं पाई, पाई इक्वल टू 3.14। ये वैल्यू मैंने असाइन कर दी, क्योंकि ये वैल्यू जो है 3.14 ही होती है, जिससे यूजर्स ने इनपुट लेने का कोई मतलब नहीं है। देन इंटीजर आर, हमने रेडियस जो है वो इंटीजर ली है, और जो एरिया लिया है वो फ्लोट डेटा टाइप का लिया है, और जो पाई है वो भी फ्लोट है क्योंकि फ्रिक्शनल वैल्यू है, एंड जो रेडियस होगी वो हमारी नॉन फ्रिक्शनल वैल्यू होगी। अब हम यूजर्स इनपुट करा लेते हैं। यूजर्स इनपुट कराने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, हमको रेडियस की वैल्यू चाहिए, ओके, एंड सेमीकॉलन। उसके बाद यूजर्स इनपुट लेना है, तो स्कैन एफ, स्कैन एफ। अब यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो हमारा इंटीजर है, तो परसेंट डी यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ आर एंड बंद। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फॉर्मूला लिख लिया, इसके बाद हम एरिया को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। अब यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम यूज करेंगे परसेंट एफ यूज करेंगे, परसेंट एफ इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो एरिया है फ्लोट टाइप है, ओके, एंड कॉमा एरिया ब्रैकेट बंद एंड सेमी कॉलन। देन गेट सी एच, गेट सी एच एंड ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, हमने हेडर फाइल लिखी, मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद तीनों डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हमने तीनों वेरिएबल को डेटा टाइप दे दिया। आफ्टर दैट हमने प्रिंट करा दी, यूजर्स इनपुट लिया आर की वैल्यू, एंड एरिया का फॉर्मूला लिखा, एरिया को प्रिंट करा दिया। ये सिंपल प्रोग्राम है किसी भी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ओके। इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। एक और ये प्रोग्राम है हमारा, सेकेंड प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड प्रोग्राम हम लोग करेंगे फॉरेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का, ओके। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, आप स्कूल में हैं तो स्कूल में भी पूछे जाते हैं, कॉलेजेस में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैं इस प्रोग्राम आपको रन करके भी दिखाऊंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, अब फिर हम हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच void main, मेन फंक्शन फिर आ गया हमारा। इसके बाद ब्रेकेट। अब हमको क्या करना है, हमें फॉरन हाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला होता है c इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू फाइव
डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके तो अब हम यहाँ पे हमको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक एफ है एक सी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लोट में लिख देते हैं दोनों, फ्लोट सी कॉमा एफ, दोनों कैपिटल है ताकि मिक्स ना हो। उसके बाद अब हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू इन फॉरेनहाइट, हमको फॉरेनहाइट में वैल्यू इनपुट करानी है। स्कैन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ कॉमन एड्रेस ऑफ कैपिटल एफ एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद फॉर्मूला सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 सेम इक्वल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम सेल्सियस की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो फिर से हम लिखेंगे प्रिंट एफ प्रिंट वैल्यू इन सेल्सियस, हमको सेल्सियस में वैल्यू प्रिंट करानी है। एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल सी। ओके देन गेट सी एच, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इसमें हमने फ्लोट ली है, सी एंड एफ दोनों फ्रिक्शनल वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए फ्लोट लिया है। इसके बाद हमने फॉरेनहाइट में वैल्यू प्रिंट करवाई, अब हम फॉरेनहाइट की वैल्यू का इनपुट यूजर से ले रहे हैं, यूजर जो इनपुट देगा वो कन्वर्ट करके सी का आउटपुट हमको प्रोग्राम में मिलेगा। ये प्रोग्राम भी हम लोग अभी रन करा के देख लेते हैं, ये है हमारा एक और बेसिक प्रोग्राम। एंड तीसरा प्रोग्राम जो हम लोग करेंगे वो हम स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स करेंगे। पहले ये प्रोग्राम मैं रब कर देती हूँ, प्रोग्राम मैं आपको रन करा के दिखाऊंगी। मैं हेडर फाइल वगैरह नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बाद में मिटाने में उसको। अब हमको तीसरा प्रोग्राम करना है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का। तो पहले हमको टू नंबर्स चाहिए, तो हम तीन वेरिएबल लेंगे, इंटीजर ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं एंड एक टेम्परेरी वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब यूजर से इनपुट कराते हैं हम फिर से, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू चाहिए हमको। स्कैन एफ परसेंट डी एंड कॉमन ए कॉमन बी एंड एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। ओके देन अब हमको लिखना है मेन पार्ट। अब देखिए टेम्परेरी वैल्यू लेनी है, सपोज हमने ए को 1 वैल्यू दी, बी को 2 वैल्यू दी, ठीक है। तो अब हमको इसको स्वैप करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे टेम्प इक्वल टू ए। तो हम जो टेम्प है उसमें हम वैल्यू दे देंगे 1, ए की वैल्यू दे देंगे जो कि है 1, ठीक है। एंड ए इक्वल टू बी, एंड जो ए इक्वल टू बी करेंगे मतलब कि ए की वैल्यू यहां से होगी 2 एंड बी इक्वल टू 10, एंड बी में जो वैल्यू थी हमारी वो आ गई टेम की वैल्यू यहां पर हो गई है 1, तो 1, ठीक है। एंड अब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी परसेंट डी ए कॉमा बी, हमको ए और बी की वैल्यू प्रिंट करानी है। देन गेट सी एच एंड ब्रेकेट क्लोज। तो अब जो हमारी यहाँ पे पहले हमारी ए बी की वैल्यू थी, ए इक्वल टू 1 था, बी इक्वल टू 2 था, तो इसके बाद क्या हो गया, देखिए ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 1 हो गया, तो वैल्यू जो है वो हमारी स्वैप कर गई है। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है, आज हमने तीन प्रोग्राम पढ़े हैं, अब इनको हम परफॉर्म कर लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसको रन करके आउटपुट क्या आता है।
सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्राम था एरिया ऑफ सर्किल का। तो हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं हमारी, देन हम लिखेंगे मेन फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम फिर से डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, एंड सेकेंड है हमारा एरिया, सेमी कॉलन, इंट आर। आर है हमारा रेडियस, यूजर्स इनपुट ले लेते हैं रेडियस, एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए, प्रिंट में जो लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा। देन स्कैन एफ, यूजर्स इनपुट ले रहे हैं इसलिए स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंट डी क्योंकि इंटीजर टाइप है, कॉमा एड्रेस ऑफ आर, ब्रेकेट वन एंड सेमी कॉलन। आफ्टर डैट एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर एंड सेमी कॉलन। अब प्रिंट करा देंगे इसको हम, प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है हमारा परसेंट एफ, परसेंट एफ इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का यूज होगा, ब्रेक के एंड परसेंट एफ के बाद अब लिखेंगे एरिया, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, देन गेट सी एच। इसमें कुछ भी समझाना नहीं है, प्रोग्राम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस हमको देखना है एक बार कंपाइल करके। कंपाइल करने के लिए एल्ट एफ नाइन एंड रन करने के लिए कंट्रोल एफ नाइन। तो रेडियस की वैल्यू हमको देनी है, रेडियस की वैल्यू हम दे देते हैं 2, और जो हमारी वैल्यू आ रही है 12.56 आ रही है। वैल्यू हमारी फ्लोट में है इसलिए फ्रिक्शनल वैल्यू है, फ्लोट में है लिया है हमने, 12.56 आ रही है, हमारी वैल्यू सही है, मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। ओके तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा फॉरेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, इसी में करते हैं वो भी। तो फ्लोट में ही था हमारा एफ कॉमा सी। ओके आफ्टर डैट हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ यूज करेंगे फिर से, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू इन फॉरेनहाइट। एंटर वैल्यू इन फॉरेनहाइट, हमको फॉरेनहाइट में वैल्यू एंटर करनी है, एंड स्कैन एफ यूजर्स इनपुट लेने के लिए फिर से परसेंट एफ यूज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का यूज होगा क्योंकि वैल्यू फ्लोट है, एंड एड्रेस ऑफ कैपिटल एफ, कैपिटल एफ इसलिए क्योंकि जो हमने ने वेरिएबल को नाम दिया है वो कैपिटल एफ है। ओके देन सेल्सियस वाला फार्मूला, कैपिटल सी इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस 32 ब्रेकेट क्लोज इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 सेमी कॉलन। ये हमारा फार्मूला है एंड प्रिंट एफ, अब हमको ये वैल्यू भी प्रिंट करानी है। तो वैल्यू इन सेल्सियस, वैल्यू इन सेल्सियस परसेंट एफ कॉमा कैपिटल सी, ब्रैकेट क्लोज, गेट सी एच एंड ब्रैकेट क्लोज। चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, नहीं, एल्ट एफ नाइन करके देख लेते हैं, एक एरर आ रही है यहाँ पे, 5 प्रिंट नहीं हुआ है। ओके 5 5 बाई 9 एल्ट एफ नाइन एंड कंट्रोल एफ नाइन।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं 100, हमारी वैल्यू 37.7 आ रही है। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन दिख लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की वैल्यू दिखे और कोई वैल्यू ना दिखे। Alt F9 एंड Ctrl F9। सो हमने फारेनहाइट में वैल्यू दी 100 एंड हमारी वैल्यू जो है सेल्सियस हमारी 37.77। ओके, इस प्रोग्राम में भी कोई इशू नहीं है। देन हमारा लास्ट प्रोग्राम था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, तो हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स स्टार्ट करते हैं। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स में हमने क्या किया था, जो डेटा टाइप लिया था वो इंटीजर लिया था, तो इंट ए कॉमा बी कॉमा टेम्प, एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया था। और मैंने आपको इसका प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है, मैं आपको यहाँ पे फिर से जल्दी दिखाती हूँ। प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमको ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट क्लोज। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, स्कैन एफ यूजर से इनपुट लेना है एंड परसेंट डी क्लोज एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी एंड सबसे इम्पोर्टेंट CLRSCR लिख देती हूँ। CLRSCR क्लियर स्क्रीन जरूरी है ताकि लास्ट आउटपुट ना दिखे। ये हो गया हमारा। आफ्टर डैट हमको क्या करना है, लिखना है ए, यहाँ लिखना है टेम्प इक्वल टू ए, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प। ओके एंड प्रिंट एफ value of a and b %d 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 getch प्रोग्राम चेक करते हैं। हमारा मेन फंक्शन है, इसके बाद तीन वेरिएबल्स हैं। क्लियर स्क्रीन वैल्यू हमने एंटर करवा ली, ये हमने लिख लिया प्रोग्राम एंड देन Alt F9, कोई एरर नहीं, Ctrl F9 2 एंड 3 वैल्यू जो है, पहले ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। ओके, अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आए तो आप यहां कर सकते हैं /n /n Ctrl F9। ओके, 3 एंड 4 एंड 3। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।